इतनी सारी हार्वेस्टिंग इस साल मैंने कुकम्बर से ली और अभी भी मेरे यहाँ पे कुकम्बर बहुत सारे लगे हुए हैं, आप देख ही रहे होंगे। और मैं ये कुकम्बर पिछले महीने से खाती जा रही हूँ और बांटती जा रही हूँ पड़ोसियों को। तो इसी तरह से मेरे जो अभी देखा आपने जहाँ से मैंने हार्वेस्टिंग करी है वहाँ पे मैं अभी कुकम्बर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 20 दिन पहले कुकम्बर लिए थे जो कि मैं आपको वीडियो आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखो एक मेरा कुकम्बर यहाँ पड़ा है, खीरा यहाँ पड़ा है जो कि हमने बेल यहाँ से उखाड़ दी, सूख गई थी। तो खैर अभी हमारे कद्दू वद्दू यहाँ पे लगे हैं, उसकी बेल यहाँ पे चढ़ जाएगी। तो यही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने जब भी अपनी वेजिटेबल्स लगानी है तो वो थोड़ी गैप में लगानी है। गैप में इसलिए लगानी है ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक खाते रहें। 15-20 दिन बाद अगर एक साइड से हमारी वेजिटेबल ख़त्म हो रही है तो हम दूसरी साइड से क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 20 दिन पहले मैंने यहाँ से हार्वेस्टिंग करी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी घनी कुकम्बर की बेल थी और मैंने यहाँ से बहुत सारे कुकम्बर खाए थे, हमने निकाले थे, हमने हार्वेस्ट किए थे। तो ये 20 दिन पहले का है व्यू जो कि मैंने पहले वीडियो में भी डाला, अगर आपको वो चीज़ वो देखनी है कि मैंने वहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या क्या हार्वेस्ट किया था 20 दिन पहले, कैसे किया था, तो उसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो पे जा सकते हो डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरे चैनल पे कोई न्यू आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि मैं ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूँ और आप भी हार्वेस्टिंग का मज़ा लो और आपको भी थोड़ा नॉलेज हो कि भी हमें कितने गैप में इसे लगाना है, जो कि हम अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं। 20 दिन पहले देखो हमारे पास इतने सारे कुकम्बर इसमें लगे हुए थे, अब ये लास्ट ही है कुकम्बर का, तो उसके बाद तो हमने इसको निकाल दिया जो कि मैंने आपको पहले वीडियो पे दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे सारा ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद अभी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई वहाँ से मैंने अब हार्वेस्टिंग हम ले रहे हैं, जो कि मैंने अभी पिछली वीडियो पे भी आप लोगों को दिखाया कि हमने कितने कुकुम्बर हमने वहाँ से हार्वेस्ट किए हैं। वो हमारा 20 दिन के बाद का वो रिज़ल्ट है और 20 दिन पहले का ये रिज़ल्ट है। तो ये देखिए 20 दिन पहले हम यहाँ से हार्वेस्टिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारा पूरा ये सूख गया है और हमने यहाँ से पूरा हार्वेस्ट करके हमने पूरा इसको निकाल दिया है जड़ के साथ। और हमने यहाँ से बहुत ऑर्गेनिक तरीके की कुकम्बर लिए थे, देखिए यहाँ पर भी मेरे पास, ये मेरी पुरानी वीडियो है, ये मैंने पुराना क्लिप लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि पिछली बार हमारा मतलब 20 दिन पहले हमने यहाँ से इतनी हार्वेस्टिंग करी थी और अब जो हम अब कर रहे हैं प्रेजेंट में वो हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ से हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं जो कि मैंने अपनी घर की बाउंड्री में इसे लगा रखा है। यहाँ पे कुकम्बर ही कुकम्बर है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे सारी जगह पे मेरी पूरी बाउंड्री में कुकम्बर ही कुकम्बर लगे हैं। वो तो मैंने उखाड़ दी है बेल, वहाँ से मैं ले चुकी हूँ, हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से कर रही हूँ कि अब यहाँ पे मेरी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भी अब हमने काफ़ी यहाँ से हमने यूज़ कर लिए कुकम्बर, आप देख रहे हो झाड़ियों के बीच में बड़े सारे कुकम्बर है लगे हुए हैं और हम अब यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें गैप में वेजिटेबल्स को लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम उसे आगे तक यूज़ कर सके, आगे तक हम उसको उसका मज़ा ले सके उस चीज़ का। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लगे हैं, तो गैप में ज़रूर करें गार्डनिंग, अगर आप लोग गार्डनिंग करते हो तो गैप में लगाइए 15-15-20-20 दिन के, ताकि आपको आगे तक वो चीज़ें आपको मिलती रहे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल में कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मैं ऐसी सी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी और इस तरह से हार्वेस्टिंग मैं आपको दिखाती रहूँगी और आपके मुँह में पानी लाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने इसको ऐसे घुमा घुमा के ही इसको निकालना है। बाकी मैंने यहाँ पे हैं रखे हुए कुकम्बर, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वो हमने सीड के लिए रखे हैं क्योंकि ये वाला जो सीड है ना, ये बहुत ही अच्छा सीड है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही रसीला और बहुत ही यम तरीके का ये कुकम्बर है। देसी कुकम्बर है हमने लगाया हुआ, हमने हाइब्रिड कुकम्बर नहीं लगाया क्योंकि हाइब्रिड जो कुकम्बर होता है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है।